कि वो क्यों नहीं लड़े, उन्होंने मुझे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं तो उस पार्टी का सिपाही हूँ। मैंने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी कि कर्म भूमि है श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है, अभी दिया है। आरएलडी की दो सीटों पर जीत दर्ज हुई है, एक बागपत और दूसरी बिजनौर। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं। सर, पहले तो बधाई देना चाहूँगी आपको कि जिस सीट से आप लड़े हैं बागपत, वो पैतृक सीट रही है जयंत चौधरी और उनके परिवार की, और उस सीट का मान आपने रखा है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपका कैंपेन हमने कवर किया था बागपत में, जयंत जी के साथ इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि वो क्यों नहीं इस सीट से लड़े और उन्होंने आप ही को क्यों चुना, इस पर क्या कहें? ये तो उन्हीं का फैसला है कि वो क्यों नहीं लड़े, उन्होंने मुझे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं तो उस पार्टी का सिपाही हूँ और उनका कार्यकर्ता हूँ। मैंने श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उनकी विचारधारा को समझा, उनके व्यक्तित्व को मैंने पढ़ा करीब से, जो वो गांव के गरीब के बारे में चिंता करते थे, चिंतन करते थे, किसान हो मजदूर हो, गांव की तरक्की कैसे हो, तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, जो सारी बातें मैंने सब चीज़ें उनके चरणों में बैठ के मैंने सीखी उस समय। तो लेकिन मैं उस समय तो ज़्यादा वो नहीं था परिपक्व, लेकिन मैंने जब उनके सपनों को पढ़ा और सोचा कि ये देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए गांव को खुशहाल होना देखना चाहते हैं, और ये बात सत्य है, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं हो सकता, तो मैं तो काम करता रहा। और ये उनकी कर्म भूमि है श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है, अभी दिया है। और उनकी विरासत की सीट है चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी कर्म भूमि की सीट है, ये उनकी कर्म भूमि रही है, और अब हमारी पार्टी के मुखिया उनको, चुनाव तो उन्हीं को लड़ना था। मुझे तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा और बागपत जैसी लोकसभा सीट की शायद चुनाव लड़ूंगा, जहाँ जो मेरे राजनीति के ईष्ट हैं, जिनको मैं बिल्कुल भगवान के रूप में मानता हूँ, देवता के रूप में मानता हूँ, जिनका मैं भक्त हूँ, जिनसे मैंने सीखा है, उनकी विरासत की सीट मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, सोचा भी नहीं। सौभाग्य भी आप मानते हैं, क्योंकि जब हमने जयंत जी से पूछा था तो उन्हीं का कुछ ऐसा कहना था कि क्योंकि आप पार्टी के बहुत लंबे समय के कार्यकर्ता रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और नब्ज जानते हैं अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की, और जाहिर सी बात है क्योंकि जिस परिस्थितियों में आप चुनाव लड़े हैं उस वक्त मैं पूछूं तो आपसे राजपूतों का भी गुस्सा था, जाटों का भी गुस्सा था, किसानों का भी गुस्सा था, कैसे साधा आपने सबको? नहीं, जब मुझे प्रत्याशी बना के उन्होंने भेजा, मुझे नहीं पता कि उससे पहले कितना गुस्सा था, किस वर्ग में, किस जाति में कितना गुस्सा था, लेकिन जब मुझे प्रत्याशी बना और मेरी घोषणा हुई तो लोगों का गुस्सा अपना आप ही शांत हो गया, मैं नहीं समझ पाता। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद था तमाम लोगों का, किसी भी जाति का, मुझे नहीं लगा किसी लोकसभा क्षेत्र में किसी के प्रति को गुस्सा रहा हो किसी जाति विशेष का, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसी जाति का, किसी के भी नेताओं का कोई गुस्सा मेरे प्रति, हमारे एनडीए के प्रति, प्रत्याशी के प्रति नहीं था। जो चाहे समाजवादी पार्टी में लोग काम करते हों, चाहे कांग्रेस में काम करते हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी में काम करते, तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, उनके लोग जो उनके मानने वाले लोग थे वो भी मुझसे प्यार कर रहे थे, तो उन्होंने भी जिता दिया। मुझे तो सबका प्यार मिला, सभी का आशीर्वाद मिला है, सभी का प्यार मिला, उसी का नतीजा जी। अब आप एनडीए की सरकार का भाग हैं, ठीक है, और अब ये हुआ कि बीजेपी की जो सीटें आई हैं 290-292 तक, और जो इंडिया गठबंधन की सीटें आई हैं 228-30, अब इसमें कोलिजन की सरकार बनने जा रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2014 से अब पहली बार ऐसा होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रहेगी, क्या उसको लेकर कोई बैठक आज होगी? आप भी नए सांसद बने हैं, आगे का कोई दायित्व आज तय होगा आपके लिए? नहीं, हमारा तो कल नतीजे आए हैं और कल मुझे प्रमाण पत्र मिला है, मैं सांसद चुना गया हूँ बागपत से, और चौधरी जैन जी का मैं सिपाही हूँ, उन्हीं का मैं सेवक हूँ, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, पब्लिक ने, वहाँ की ने, जनता ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, वोट दिया, मुझे सांसद चुना है, तो मैं आज जो साहब का धन्यवाद भी करने आया हूँ और उनसे मिलूंगा भी, मेरे आगे क्या मेरे लिए क्या जिम्मेदारी है जो तय करेंगे, मैं उस पर आगे चलूँगा, बाकी फैसले तो सब हमारी पार्टी के मुखिया हैं चौधरी जैन जी, वही लेंगे। पूछ मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि आपने चौधरी चरण सिंह जी की पॉलिटिक्स अगर देखी होगी तो उस वक्त भी गठबंधन की सरकारें होती थी, लोग आते जाते में ही समर्थन खींच लेते थे, और चौधरी चरण सिंह भी कुछ समय तक प्रधानमंत्री रह पाए इसी गठबंधन की सरकारों की वजह से। कितना विश्वास है कि एनडीए की ये सरकार एक मजबूत सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो मजबूत ही बनेगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वही देश को बहुत आगे ले जाने का काम कर सकते हैं, ये तो जनता को भरोसा है, पूरी तरह से भरोसा है। और चौधरी जैन जी एनडीए के साथ हैं
मजबूती के साथ में, और ये चौधरी चरण सिंह जी की के विचारों वाली पार्टी है, और चौधरी साहब जैन जी भी आज उन्हीं विचारधाराओं को आगे ले बढ़ रहे हैं, सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं। अब एनडीए का हम हिस्सा हैं, एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, सरकार बनेगी सरकार के साथ रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे, किसान का, मजदूर का, गाँव का, और जो डेवलपमेंट है उसके काम हों तो उसके लिए हम सब काम करेंगे। तो कहें कि आरएलडी जो है रालोद एनडीए के साथ ही रहेगी, तो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के साथ कोई शकी नहीं है, कोई इसमें तो कहने का सवाल नहीं है कुछ भी। हम नरेंद्र मोदी जी के मजबूती के साथ खड़े हैं, और देखिएगा मैं तो आपको सत्य कहता हूँ, खड़े भी रहेंगे और मैं तो आपको सत्य कहता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग कभी विचलित नहीं होते हैं, वो अपनी विचारधारा पर, अपनी बात पर वो खड़े रहते हैं, अड़िग रहते हैं। और नहीं देखिएगा आप गठबंधन थे, और वो किन कारणों से, किन लोगों ने हमें परेशान किया है ना, और लगता था हमें कि वहाँ रहने से ना जनता का भला कुछ हो पा रहा है, और वैसे भी गठबंधन का वो धर्म अच्छी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं, वो बहुत सारी दिक्कतें नहीं है, और ये सारी बातें चौधरी साहब के संज्ञान में है, उन्हीं का फैसला है, हम तो उस फैसले में कभी शामिल हुए नहीं, हम तो कार्यकर्ता थे। और आप चौधरी साहब ने तो बड़े फैसले लिए, जहाँ चुनाव उनको लड़ना था, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, मेरे पास तो कोई कारोबार व्यापार भी नहीं है, और ना मेरा परिवार है, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं तो एक तकतोदरी वाला आदमी हूँ सिर्फ। कह रहा था आप किस दोस्त के घर में रहते हैं? नहीं वो तो स्वाभाविक है, जब ये अच्छी दोस्ती निभाई है आपने, दोस्ती भी अच्छी बनाई है, और दोस्त को भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सौभाग्यशाली दोस्त है आपका जिसकी आपकी जैसी दोस्ती मिली है। नहीं नहीं वो तो परिवार की तरह उन्होंने जगह दे रखी है, और मैं तो जब भी पहुँचता हूँ, रात को पहुँचता हूँ, 4-5 घंटे रुकता हूँ, उसके बाद मैं क्षेत्र में रहता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, मेरे पास और कोई दूसरा काम मेरे रहता भी। दोस्त आए हैं आज यहाँ पे? नहीं वो तो नहीं आए। क्या दोस्त हैं, वाह, उनकी कोई रुचि नहीं है इन चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। और ये बागपत के प्रत्याशी हैं, रालोद की 2 सीटें हैं जो एनडीए गठबंधन के साथ अब जुड़ के सरकार में बैठने वाली हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से TDP और नीतीश कुमार और RLD और अन्य पार्टी जैसे चिराग पासवान की पार्टी साथ में मिलके ये एनडीए जो गठबंधन की सरकार बनाती, 2014 से पहली बार ऐसा होगा जब एक कोलिजन गवर्नमेंट भारत में बनने जा रही है। संजय कुमार के साथ मिलन शर्मा आज तक।